Assalamu alaikum, aspirants. Welcome to CSS and PMS time. Today we will start our syllabus of economics. So today we will introduce what is economics and microeconomics. So the part one of economics is microeconomics. Here we'll study what is microeconomics and its meaning. So microeconomics is a study of how individuals and firm makes decision regarding the allocation of resources in market. Microeconomics jo hai wo study hoti hai ek individual business aur firms yani ki bahut bade bade businesses mein jo decision making hoti hai use hum microeconomics ke andar study karte hain. Business ke andar jaise ki लाइक बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनको हम फर्म्स कहते हैं और इंडिविजुअल बिजनेस लाइक छोटे छोटे इंडिविजुअल्स हर किसी के अपने अपने बिजनेसेस के डिसीजन मेकिंग लाइक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है मार्केट में कितने रिसोर्सेज कैसे हैं उनको एलोकेट कैसे किया जाए वो हम अंडर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं. इट एग्जामाइन द इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एंड हाउ देयर बिहेवियर इन्फ्लुएंस प्राइस एंड क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो इंटरेक्शन होते हैं. इंटरेक्शंस मींस टू इंडिविजुअल्स के दरमियान लाइक बायर एंड सेलर. लाइक एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. उस एग्जांपल में एक बायर एंड एक सेलर है, ठीक है. दोनों के दरमियान बायर जो है वो अपनी डिमांड बताता है कि इतनी वो घर से ही अपनी बजट बना के ही आता है कि आगे से हमने ये चीज़ इतने इतने में ही बाय करनी है. और जो सेलर है उसका भी अपना एक डिमांड सेलिंग प्राइस बनी होती है. सेलिंग प्राइस उसकी जो है ऑलरेडी बजट के हिसाब से बनी होती है. लेकिन फिर वो एक दोनों के बायर जो है वो बार्गेनिंग करता है और सेलर भी है जो उसको उस बार्गेनिंग को दोनों के दरमियान की बार्गेनिंग आके एक बीच में एक पीक पॉइंट पर रुकती है और वो एक होती है मार्केट प्राइस. उस चीज़ को जहाँ सेलर और बायर दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, दोनों विलिंग होते हैं और दोनों एबल भी होते हैं उस चीज़ को बायर जो है वो पे करने के लिए और सेलर जो है वो बेचने के लिए तैयार होता है उस चीज़ को, वो एक जो प्राइस आके बनती है जिस पे दोनों विलिंग भी होते हैं और एबल भी होते हैं उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ choice, scarcity and opportunity cost. Choice in microeconomics refer to the decision of individuals and firm make which face with limited resources and unlimited wants. Choice like कि unlimited wants हैं, like हमारी बहुत सी ऐसी wants हैं जो कि बहुत unlimited हैं और resources हमारे पास market में बहुत ही कम हैं. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक आईफोन का और एक क्यू मोबाइल हमारे पास मार्केट में ज़्यादा है, आईफोन भी ज़्यादा है लेकिन उसको ख़रीदने वाले बहुत कम हैं. लाइक देखें उसको आईफोन जो है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो उसको ख़रीदने वाले बहुत कम हैं, उसकी डिमांड करने वाले बहुत कम हैं. और क्यू मोबाइल उसकी जो है प्राइस भी बहुत कम है लेकिन उसकी डिमांड भी बहुत कम है. So scarcity highlights the fact that resources are finite and leading to trend off and the need to make choices. Scarcity जो है बहुत resources में से एक resource होती है. Scarcity का मतलब ही होता है कि कमी. Resources हमारे पास बहुत ही limited है और wants हमारे बहुत unlimited है, उसे हम स्केर्सिटी कहते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अ वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन व्हेन अ डिसीजन इज मेड. लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे हम कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो चीज़ हमने खोई होती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. जो चीज़ हमने खोई है वो जो खोई हुई चीज़ है वो किसी पाने वाली चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. लाइक हमने आईफोन लिया और क्यू मोबाइल छोड़ दिया. क्यू मोबाइल जो हमने छोड़ा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ी हमने आईफोन को पाने के लिए, ठीक है. इट्स अपॉर्चुनिटी.